नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल स्टडी मैथ नंबर वन में पुनः स्वागत है। मैं पुनः एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। वो टॉपिक क्या है, वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आएगा। मैं पिछले दिन पूर्ण वर्ग निकालने को सिखा दिया हूँ कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग कैसा होता है। आज जो है बताऊँगा पूर्ण घन, कोई भी संख्या दिया हो तो उसको पूर्ण घन कैसे चेक करेंगे। तो चलिए चेक करके सिखाते हैं और आपको बताते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको जानकारी मिल सके। इस चैनल पर सिर्फ मैथ के वीडियो मिलते हैं। मैथ को पूरा सीखना चाहते हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको इस तरह की सारी जानकारी मिल सके। इस चैनल पर अभी तक मैंने 1 से 7 क्लास तक टोटल मैथ का वीडियो दे चुका हूँ। प्लेलिस्ट के माध्यम से देखिए, उसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट से पूछिए, मैं आपको जानकारी जरूर दूंगा। आइए पूर्ण घन, जैसे मानकर चलिए 30 है, मानिए इसको कटाएंगे तो ये 15 होगा, 3 से कटाएंगे 5 होगा, इसको कटाएंगे तो ये देखिए 2 × 3 × तो पूर्ण घन होने के लिए इसका भी 3 गो होना चाहिए। 2 × 2 × 2 तीन बार होना चाहिए, इसका भी 3 × 3 × 3 तीन बार होना चाहिए, इसका भी 5 × 5 × 5, लेकिन सबका एक एक है इसलिए ये क्या है, पूर्ण घन नहीं है। समझा रहा ना, हो गया। इसी तरीका से एक और देखिए, जैसे 27 का देखिए, 27 का देखिएगा 3×9 तीन से कटिएगा, ये होगा 3×3×3। देखिए तो इसका जोड़ा लग गया, तो इसका मतलब है कि 27 का है पूर्ण घन है। इस तरीके से कोई भी संख्या का पूर्ण घन चेक कर सकते हैं चुटकियों में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को।